हाय फ्रेंड्स, दिस इज लक्ष्मण योर DESS कोच और आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक नया फील्ड के ऊपर वीलॉग। बट इस वीलॉग में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसे दो पार्ट में शूट किया हुआ है और ये एक ही वीडियो के अंदर यहाँ पर शूट किया गया है। सो यहाँ पर जब आप फील्ड के ऊपर जाते हो, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम जब फील्ड के ऊपर गया था तो वो पूरी तरीके से रॉ था, यानी कि वहाँ पर कोई भी चीज़ें बनी हुई नहीं थी। तो इसका आपको पहले ही प्रिपेरेशन कर लेना होता है कि कहाँ से आपको वायरिंग डालना है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होती है वहाँ पर कंसील होती है। तो ये कॉरपोरेट ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2000 स्क्वायर फीट का ये पूरा का पूरा एरिया है। तो इसे आप कैसे कवर करोगे और वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आपको क्या क्या सिस्टम्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आर्किटेक्ट के साथ में बैठकर आपको समझना होगा, क्योंकि आर्किटेक्ट क्या करेगा, फिर आपको उस तरीके से स्पेस प्रोवाइड करेगा, उस तरीके से आपको वहाँ पर कह सकते हैं आपको रैक रखना है या आपको DVR रखना है, जो भी चीज़ें वो आपको कंडीशन बनाकर देगा। सो हम क्या करेंगे, अभी आपको एक वीडियो ओवरव्यू दिखाऊंगा। जब मैं पहली बार साइट पे गया था तो वहां पर पूरा का पूरा प्रीमाइसिस कैसा होता है एक्चुअली में, अगर आप बिगनर हो और आपने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं किए हुए हैं, अपने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लिए हुए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और मुझे कमेंट करिए कि आपको इसमें से क्या लर्निंग और क्या आपको मैसेज मिला। ऑलराइट, सो यहाँ पर चलते हैं हम हमारे साइड के ऊपर। सो देखा आप सभी लोगों ने किस तरीके से हमने जो है ये रॉ साइड को, आपको मैंने पूरा जो ओवरव्यू दिखाया है, ठीक है, वो उससे आप समझ ही गए होंगे कि फील्ड एक्चुअली में कैसा होता है। जिस तरीके से आप, हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट में आप सीखोगे या घर बैठे ऑनलाइन सीखोगे, सो उसमें डिफरेंस होता है, बिकॉज फील्ड के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो सारे चैलेंजेस को फेस करके हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे व्लॉग की ओर और ये जो दूसरा वीडियो है ये आपको इसी में कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू देखना है, मैं अलग से वीडियो नहीं पोस्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर चलते हैं हम दूसरे वीडियो की ओर और हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है हमारे रॉ साइड किस तरीके से आपको दिख रहा है और अब ये पूरे का पूरा साइड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 10% वहाँ पर जो है काम बचा है। सो अब चलते हैं हम और हमारे जो है 90% जो प्रीमाइसिस में काम हो चुका है उसे देखने की ओर। हाय फ्रेंड्स, दिस इज लक्ष्मण। सो मैं आज आया हूँ हमारे एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसका हमारा दादर में यहाँ पर एक शिवरी स्टेशन है, वहां पर हमने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है और इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम बहुत सारी चीजों का हमने कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक किया हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे आजू बाजू में, तो हमने बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स यहाँ पर इंटीग्रेट किए हुए। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहला सिक्योरिटी सिस्टम जो हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया हुआ है और काफी एक महीने से जो है हमारा ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से चल रहा था और अब फाइनली अल्टीमेट हमारा जो फिनिशिंग का जो काम होता है और हमारे जो सेंसर जो डिटेक्टर्स होते हैं वो हम लगाने के लिए यहाँ पर आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर एक वीडियो बना लें। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने यहाँ पर एंट्रेंस को हमने एक लॉक किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज आवर EM लॉक। यहाँ पर अभी काम हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने पूरा बायोमेट्रिक मशीन दिया हुआ है सिस्टम, जिसके ऊपर जैसे ही कोई पंच करेगा ऑटोमेटिकली एक्सेस जो है ओपन होता है।
सो एग्जिट के लिए हमने दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हो नो टच बटन, ठीक है। काफी लग्जरी लुक के लिए हमने यहाँ पर जो है ऐसे कंसील कर दिया है। सो जब भी आपको आउट जाना है और बाहर जाना है तो आपको क्या करना है, सिंपली इधर हाथ आपको शो करना है और ऑटोमेटिकली हमारा जो एग्जिट है वो हमें मिल जाएगा। यानी कि आपको एक्सेस कंट्रोल इसी तरीके से आपको मैनेज करना है जब भी आपको सिंगल डोर के लिए आपको काम करना है। हमने एक स्मोक डिटेक्टर यानी कि यहाँ पर मल्टी डिटेक्टर दिया हुआ है मीटर रूम के अंदर। ये देना इसलिए जरूरी है बिकॉज यहाँ पर अगर कोई स्पार्किंग हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ तो ऐसे में हमारा स्मोक डिटेक्टर काम करे। तो यहाँ पर हमने मल्टी दिया हुआ है, स्मोक एज वेल एज हीट, डायरेक्टली फ्लेम होगा तो ऑटोमेटिकली ये सेंसर जो है एक्टिवेट होगा। ऑलराइट, सो चलते हम हमारे दूसरे सेंसर्स की ओर, वहां पर मैं आपको और भी दूसरे सेंसर्स वहां पर मैं दिखाने वाला हूं। ऑलराइट, अब मैं आ चुका हूँ थोड़ा सा शांत एक रूम के अंदर बिकॉज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रिल मशीन, कटर मशीन, एक ही साथ में काफ़ी सारे लोगों का काम चालू है, जिसकी वजह से मैं आपसे क्या कम्युनिकेट करूँगा वो आपको सही ढंग से सुनाई नहीं देगा। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि यहाँ पर हमारा जो ऑफिस है इसके अंदर काफ़ी सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऐसे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाया हुआ है मयूर कंपनी का, जहाँ पर हमने शटर को सेंसर दिया हुआ है, डोर को सेंसर दिया हुआ है, उसके बाद में PIR ह्यूमन डिटेक्शन सेंसर लगाया हुआ है, एज वेल एज हमारे यहाँ पर दो शटर्स हैं, उन दोनों ही शटर्स को हमने जो है सेंसर्स लगाए गए हैं। ऑलराइट, समथिंग मोर। अब यहाँ पर हमने एक तो हमने आइडिया सिस्टम लगाया हुआ है, दूसरा हमने यहाँ पर लगाया हुआ है हमारा फायर सिस्टम, जैसे कि ऊपर स्मोक डिटेक्टर आप देख सकते हो। सो ये हमने फायर सिस्टम जो है यहाँ पर लगाया हुआ है, करीबन हमने 18 स्मोक डिटेक्टर्स हमने यहाँ पर फिट किया हुआ है और भी इसमें स्मोक डिटेक्टर्स लगने वाले हैं बिकॉज ये 1+1 है। तो अभी पूरा का पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इन मिडल ऑफ मैं बीच में ही साइड पर आ गया और यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके पे थोड़ा सा हम वीडियो बनाकर हमारे जितने भी ऑडियंस है उनको बताया जाए। समथिंग मोर, यहाँ पर डेस्क टू डेस्क कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो हमने यहाँ पर इंटरकॉम का सोल्यूशन दिया, यानी कि हमारा EPBX क्रिस्टल कंपनी का हमने यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि लोग डेस्क टू डेस्क कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद में हमने इतना ही नहीं, हमने सभी PC के लिए हमने नेटवर्किंग का सुविधा किया, यानी कि वहाँ पर सभी में IO प्लेट्स वगैरह लगाए और ताकि कि आपके जब भी कंप्यूटर्स वहाँ पर लगेंगे तो ऐसे में हम उसे नेटवर्किंग कर सके, प्रिंटर एक जगह पर रख के सारे लोग एक साथ में प्रिंट निकाल सके, वो सारे प्रोविजन भी हम दे रहे हैं। इवन यहाँ पर जितने भी PCs है वो सारे PC भी यहाँ पर हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, एक्सटिंग्विशर्स हम यहाँ पर देने वाले हैं, यानी कि आप देख सकते हो लंबा लंबा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स है वो सारा A to Z सोल्यूशन हमने यहाँ पर दिया हुआ है। एंड दैट इज द पावर ऑफ DESS बिजनेस मॉडल, बिकॉज DESS बिजनेस मॉडल में सिर्फ एक चीज नहीं होता है, इसके अंदर मल्टीपल चीजें एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाकर आप कैसे अपने प्रोडक्ट को, अपने चीजों को आप क्रॉस सेल कर सको, ये
यही हम सिखाते हैं हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितना भी आप इंटीरियर का सोल्यूशन यहाँ पर देख रहे हो, जो कैबिन बनाए गए हैं, जो डेस्क यहाँ पर बनाए गए हैं, ये सारे जितने भी सोल्यूशन बनाए गए हैं, ठीक है, ये हमारे कजिन है, ठीक है, उन्होंने जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अगर उनसे आपको कुछ इंटीरियर के रिलेटेड सोल्यूशन चाहिए होंगे, या तो फिर अगर आपको एक छोटा सा अपना ऑफिस बनवाना होगा पूरे इंडिया में कहीं पर भी, बिकॉज ये पैन इंडिया पे काम करते हैं, हमारी टीम जो है इंटीरियर के लिए वो पैन इंडिया पे भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप कुछ भी इंटीरियर के रिलेटेड सोल्यूशन करना चाहते हो तो मैं नीचे आर्किटेक्ट का नंबर दे दूंगा, आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां पर आपको नंबर मिल जाएगा। सो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर एक शटर है, ठीक है, यहां पर भी हम क्या कर रही है, एग्जिट है, दिस इज अवर एग्जिट। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पर शटर सेंसर लगाएंगे ताकि कि अगर पीछे से कोई आता है, कोई इंट्रूडर आता है, तो ऐसे में वहाँ पर आपको अलार्म मिल जाए और वहाँ पर आपको पता चल जाए। देखिए मैं अभी आपको इस पूरे के पूरे ऑफिस में मैं जगह जगह पर जाकर आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता, तो मैं क्या करूँगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या लगाया हुआ है। बेसिकली हमने डिटेक्टर का शुरुआत यहाँ से ही किया हुआ है, यहाँ से हमने डिटेक्टर लगाना शुरू किया है और यहाँ से फिर आगे हमारा जो पूरा का पूरा कैबिन है वहाँ तक पूरा गया हुआ है, यानी कि जो रिसेप्शन एरिया है पूरा वहां तक गया हुआ है। तो देख सकते हो ये हमने एमडी कैबिन में आ गए हैं, यहाँ पर हमने एक स्मोक डिटेक्टर उनके लिए दे दिया है, यहाँ पर हमारा आईपी कैमरा लग जाएगा, ठीक है, और जो मैंने आपको वहां पर हमारा मीटर रूम दिखाया था उसके अंदर हम क्या फिट करेंगे, हमारा कंप्लीट जो एनवीआर होगा, ठीक है, एज वेल एज स्विच होगा, वो वहां पर प्लेस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हम इंटरकॉम के लिए इस तरीके से आईओ प्लेट्स वगैरह लगा रहे ताकि कि काफी कूल और प्रोफेशनल यहाँ पर आपको दिखे। ये देख सकते हो ये RJ11 का पोर्ट है और RJ45 अगर आप देखोगे तो वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख सकते हो ये RJ45 के लिए दिया हुआ है ताकि PCs के नेटवर्किंग करने में बहुत इजी हो। सो आज के इस वीडियो के लिए मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से अलविदा, बट जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पूरे के पूरे जो हमारा जो प्रीमाइसिस है ये मेरे ऑफिस से बहुत ही लंबा है, ठीक है, यानी कि हमें आने के लिए करीबन 2 घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो मौका मिलेगा तो मैं दोबारा इस फील्ड पे आऊँगा और यहाँ पर मैं चीज़ों को एक बार और ओवरव्यू करके मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, बट मैं आप सभी लोगों से वादा नहीं करूँगा, राइट, बिकॉज अगर मुझे समय मिला तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा और इवन अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको सारा जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर फाइनल किया हुआ है उसके ऊपर मैं यहाँ पर एक और वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा, जब पूरी तरीके से ये फिनिशिंग हो जाएगा, 100% पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, हर एक इक्विपमेंट एक एक जगह पर, सारे चीज़ें एक एक जगह पर आ जाएंगे, तो आपको और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर फील्ड के ऊपर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कहाँ पर हमने क्या चीज़ रखा है। सो बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन माय अनदर वीडियो, पार्ट टू वीडियो। कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंटीग्रेट किया है। आई होप कि आपको ये जो व्लॉग है ये आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू इन माय अनदर वीडियो। बाय बाय।